यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए एसपी के लिस्ट जारी, जहां ददरौल से अवधेश कुमार वर्मा को टिकट, गैसनजी से राकेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं दूधी से विजय सिंह गौन को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए एसपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। ददरौल से अवधेश कुमार वर्मा को टिकट दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गैसनजी की तो राकेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। दूधी से विजय सिंह गौन को उम्मीदवार बनाया गया है और उसी के साथ एसपी की ओर से अब जिस तरीके से मैदान में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि आईएनडीए गठबंधन के तहत इस समय एसपी मैदान में है और वहीं दूसरी तरफ सामने बीजेपी है। बीजेपी की ओर से भी कांटे की टक्कर वाले जो उम्मीदवार हैं वो मैदान पर है। अगर पूरे यूपी की हम बात करें तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी विधानसभा उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए एसपी की लिस्ट जारी कर दी गई है। ददरौल से अवधेश कुमार वर्मा को टिकट, गैसनजी से राकेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, दूधी से विजय सिंह गौन को उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखिए अगर बात उपचुनाव की करते हैं तो उपचुनाव में किस तरीके से ये पूरी जंग देखने को मिलती है ये यहां पर देखा जाएगा। अगली खबर है ग्रेटर